और अब बात शामली की, जहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो शर्मसार कर देने वाली है। यहां की बेटियां मनचलों के खौफ की वजह से सर झुकाकर चलने को मजबूर हैं। पूरा मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मिल रोड स्थित हिंदू कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं का है। तस्वीरें जो अब आपको हम दिखाएंगे, उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में दर्जनों छात्राएं सर नीचे झुकाकर बैठी हुई हैं। इन छात्राओं को डर है तो सिर्फ मनचलों का। मनचलों के खौफ के चलते ये छात्राएं स्कूल से आना जाना सर झुकाकर केयर भी करती हैं। छात्राओं का कहना है कि आए दिन मनचले उन पर कमेंट पास करते हैं, जिसके डर से उन्हें वहां से गुजरना मुहाल हो रहा है और वो सर नीचे झुका करके अपने घर से स्कूल तक आना जाना करती हैं। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना था कि स्कूल में कोई छेड़छाड़ नहीं होती और न ही किसी छात्रा को सर झुकाकर आने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर छात्राओं के अभिभावकों का कहना है कि छात्राएं रास्ते में होने वाली छेड़खानी के डर से सिर झुकाकर स्कूल जाती हैं। उनका कहना है कि वाहन चालक उनके बच्चों को स्कूल लाते हैं और घर छोड़ जाते हैं और कई बार उनके बच्चों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हुई है, तो खुद वाहन चालक मनचलों से निपटता है। वाहन चालक सत्यपाल सिंह की माने तो इस तरह से चलने से छेड़खानी नहीं होती है। ट्रॉली चालक सत्यपाल 21 सालों से छात्राओं को लाने ले जाने का काम कर रहा है। लड़की अलग अलग तरह के कमेंट्स करती है, इसलिए बस गर्दन नीचे रहती है, बस यही वजह है। नहीं नहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें ये चाहिए कि हम गर्दन नीचे ना करें और मतलब घर से सेफ्टी, जैसे हम आते हैं अच्छे से आए और अच्छे से जाए घर पे। घर वाले चिंता ना करें हमारे हमारे लिए। जो घर वालों को चिंता होती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, मतलब रास्ते में लड़के परेशान करते हैं, वो परेशानी ना हो हमें। हम ये कहना चाहते हैं, रास्ते में छेड़खानी इतनी बढ़ गई है बच्चों के साथ में। मेरी एक भांजी और लड़की दोनों इसी कॉलेज में पढ़ती हैं, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में, 10th में है। तो डॉक्टर अजय पाल शर्मा जो कि शामली के एसपी हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपने ये खबर देखी होगी, उम्मीद करते हैं कि आपके संज्ञान में शायद ये खबर अब से पहले ना हो, लेकिन समाचार प्लस इसे दिखा रहा है। आलम यह है आपके इलाके में कि डर की वजह से यहां से छात्राओं का गुजरना मुहाल हो रहा है, सिर झुका करके छात्राएं बैठ करके पढ़ने को मजबूर है। मैडम, ये मैं बताना चाहूंगा कि आज सुबह पहले अभिभावकों के साथ में उन्हीं के गांव में जाकर के मेरे द्वारा बातचीत की गई है, मीटिंग के तौर पर लिया गया है। सभी जो गांव के लोग थे, जिनमें इनके माताएं और साथ ही इनके पिता मौजूद थे, उनके साथ हमने ये बातचीत करी है। तो उन्होंने बताया कि करीबन 20 साल से ज्यादा समय से ये बच्चे इस तरह से आ रहे हैं, और छेड़छाड़ के बारे में जब पूछा गया तो उनके अभिभावकों ने पूरी तरह से इस चीज से मना किया है। लेकिन अभी क्योंकि बच्चियों का एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम जैसे उनका खत्म हो जाएगा 11:30 बजे, तब मेरे द्वारा बच्चियों के साथ में इस समय वार्ता की जाएगी। अभी तक जो हमने पूछताछ की है उसमें उन्होंने इस चीज से इनकार किया है, और साथ साथ जो आपने ले जाने वाला है उसके द्वारा भी ये बताया गया कि वो सुविधा के तौर पर इन बच्चियों को लेकर के जाते हैं। सभी गाँव से, उस क्योंकि देहात का क्षेत्र है, उस गाँव से इकट्ठे होकर के बच्चे इनके साथ में जाते थे। बाकी जो भी इसमें पॉइंट रेज किए गए प्रत्येक विंडो पे डेफिनेटली हम इंक्वायर कर रहे हैं, और मैं खुद ही इनसे सभी से वार्ता कर रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर कोई ऐसा मामला निकल करके आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एंटी रोमिंग स्क्वाड भी है जो लगातार एक्टिव होकर के कार्रवाई की भी है उसने पहले, क्योंकि आपके यहाँ रिपोर्ट किया गया है, तो डेफिनेटली फिर एक्शन डेफिनेटली लिया जाएगा इसमें। जी चलिए, तो डॉक्टर अजयपाल शर्मा जो कि एसपी शामली है, ये समाचार प्रेस से बातचीत कर रहे थे। अजय जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से माँ बाप से भी बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने छेड़खानी से इनकार किया है, तो ऐसे में अब इन लड़कियों से भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि पिछले 20 साल से इसी तरीके से ये महिलाएं, दरअसल जो छात्रा हैं वो आती जाती हैं, और खुद वाहन चालक का भी कहना है कि सुविधा के लिहाज से इनको इस तरीके से बिठाया जाता है यहां पर। लड़की अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं, इसलिए बस गर्दन नीचे रहती है, बस यही वजह है। नहीं नहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें ये चाहिए कि हम गर्दन नीचे ना करें और मतलब घर से सेफ्टी, जैसे हम आते हैं अच्छे से आए और अच्छे से जाए घर पे। घर वाले चिंता ना करें हमारे हमारे लिए। जो घर वालों को चिंता होती है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, मतलब रास्ते में लड़के परेशान करते हैं, वो परेशानी ना हो हमें। हम ये कहना चाहते हैं, रास्ते में छेड़खानी इतनी बढ़ गई है बच्चों के साथ में। मेरी एक भांजी और लड़की दोनों इसी कॉलेज में पढ़ती हैं, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में, 10th में है।
और रास्ते में छेड़खानी करी, सब खुद लाना और छोड़खाना ये हम जरूरी हो गया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? तो बच्चे बोलते हैं रास्ते में कि पापा रास्ते में छेड़खानी है, अब हम उन्हें पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन जब छेड़खानी है तो हम खुद ला रहे हैं, अपना काम छोड़कर सब कुछ छोड़कर हमें बच्चों को लाना छोड़ना पड़ रहा है। नहीं, वो तो जो उनका निजी वाहन वाला है उसमें ही, विद्यालय परिसर के बाहर की बात है, और जो निजी वाहन वाला है उसमें ही उनको कहा है कि पीछे थोड़ा सिर आप नीचे रख करके चले, जिससे कि कोई छेड़खानी वाली बात ना हो पाए। सर झुकागा नीचे नू जा जो है रास्ते में मन चले वो मिले हुए छेड़छाड़ करे, इसलिए ले जा कि कोई बात दुर्घटना ना हो, कोई झगड़ा वगड़ा ना हो। नहीं, रोजाना पहले लेके जैसा तो रोजाना एक आधा झगड़ा जरूर होता। हाँ, दो तीन बार केस भी गया थाने लोग गई बात, दो तीन बार झगड़ा भी हुआ, मुकदमा भी हुआ। फिर थोड़े से दिन मुकदमा चल गया, वह कवा सुनी करके आपस में फैसला करके फिर फैसला हो गया। मैं 1997 से कर रहा, 21 साल के करीब हो लिए मुझे, जाते हुए ले जाते हुए।